हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनोलिक ओएच ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, फंक्शन ग्रुप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके पहले हम 13 पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं आज की इसमें। आज हमको सिर्फ 1 2 3 4 5 डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फंक्शन ग्रुप, फिनोलिक ओएच ग्रुप। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड फिनॉल्स। बहुत इजी है। तो अभी इसमें है, इसका हम देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा ए आर ओ एच है जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल आपके इसमें हमने लिया फिनॉल। देखो फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। फिनॉल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। तो फिनॉल इसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। ये इतना याद रखिए, इजी ग्रुप है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फिनोलिक हाइड्रोक्स ग्रुप आर कॉल्ड फिनॉल्स। उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आर ओ एच और उसका एक ही एग्जाम्पल फिनॉल, या फिर उसी को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। इजी है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसको हम ऐसे लिखते हैं SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फोनिक एसिड फंक्शन ग्रुप आर कॉल्ड सल्फोनिक एसिड्स। और उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा RSO3H। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फोनिक एसिड फंक्शन ग्रुप आर कॉल्ड सल्फोनिक एसिड्स। और उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है RSO3H। ओके, अब इसका सिर्फ IUPAC नेम ही है, क्योंकि ये जितने भी नए कंपाउंड होते हैं उनके IUPAC नेम ही होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसका। तो इसके IUPAC नेम के लिए आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा। देखिए IUPAC नेम के लिए सल्फोनिक एसिड, मतलब इसको हम लिखेंगे अल्केन सल्फोनिक एसिड वर्ड यूज करेंगे, अल्केन सल्फोनिक एसिड। अब देखें इसका एग्जांपल। अब देखो मैंने फर्स्ट लिखा CH3SO3H, तो इसका नेम हो जाएगा, देखो अल्केन मीथेन सल्फोनिक एसिड, इसको सल्फोनिक एसिड, तो मीथेन फर्स्ट लेटर कैपिटल है, मीथेन सल्फोनिक एसिड। देखो इसका ई लेटर हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, ये देख लीजिए ई लेटर हम ड्रॉप नहीं कर रहे क्योंकि कंसोनेंट है यहाँ पे, वोवल होता तो ई लेटर ड्रॉप, जैसे हमें अभी तक सभी एग्जांपल में किया हुआ है। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं CH3CH2SO3H। अब इसका दो कार्बन है तो अल्केन हो जाएगा इसमें इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड हो गया। एक एरोमेटिक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ पे लिया C6H5SO3H, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिंग ड्रॉ कर लीजिए और उसमें अटैच करिए SO3H। ये देखिए दोनों ही किए, तो अब इसका नाम आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हो गया, एलिफेटिक के दो एग्जांपल ले लिया, एक एरोमेटिक ले लिया, हो गया, सिंपल है ये भी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब अल्केन, तो इसमें हम लेते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो अल्केन्स आ जाते हैं सारे इसमें। तो अभी देखते हैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका RH, अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन RH, याद रखिए RH अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके जो फर्स्ट थ्री
मेंबर जो होंगे उसके कॉमन नेम भी वही है और आईपीसी नेम भी वही है, देखेंगे जैसा भी। हमने एग्जांपल लिया CH4 मीथेन, कॉमन नेम भी मीथेन, आईपीसी नेम भी मीथेन। अब लिया दूसरा एग्जांपल कैसे लिखते हैं CH3, तो इसका नेम इथेन, कॉमन नेम भी इथेन, आईपीसी नेम भी इथेन। हमारे लिए थर्ड एग्जांपल CH3, CH2, CH3, कॉमन नेम भी प्रोपेन, आईपीसी नेम भी प्रोपेन, ये लिखिए। अब फोर्थ एग्जांपल से आपको प्रीफिक्स लगाना स्टार्ट करना है, स्टेट चेन होगा तो नॉर्मल, ब्रांचिंग होगा तो आइसो या सेकेंडरी टर्शरी, देखते हैं। तो CH3, CH2, CH2, CH3 स्ट्रेट चेन है तो प्रीफिक्स है नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन, आईपीसी नेम ब्यूटेन, सॉरी बराबर है। हम नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं, इससे क्या होता है थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चार हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ, CH3, CH3, देख लीजिए ब्रांचिंग हो गया है। तो अभी देखो यहां पर सेकेंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, 1 2 1 2, यहां से सेकेंड या फिर राइट या लेफ्ट, सेकेंड कार्बन देखो 1 2 या 1 2, सेकेंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हम लोग, तो इसका नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, कॉमन नेम हो गया आइसो ब्यूटेन। अब आईपीसी नेम लिए तो आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है तो 2-methyl, देखो इसका नाम 2-methyl propane, ये हो गया इसका आईओपीएससी नेम। आइसो के लिए याद रखना सेकेंड पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड कार्बन पे, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, सेकेंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, थर्ड पे है तो फिर आइसो नहीं आएगा, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज ही नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल CH3, CH2, 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 CH3, फाइव कार्बन स्टेट चेन, नॉर्मल पेंटेन, आईपीसी नेम पेंटेन, ओनली पेंटेन। देखते नेक्स्ट एग्जांपल CH3, CH, CH3, देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन मिथाइल है तो आइसो, तो इसका कॉमन नेम हो गया आइसो पेंटेन। अब आईपीसी नेम देखते हैं 1 2 3 4, टू पे साइड चेन है तो 2-methyl, 2-methyl butane, ऐसा होगा इसका। और थोड़े एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं एग्जांपल, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, 7 हो गया। अब 8 देखते हैं CH3, 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 देखो सेकेंड पोजीशन पे 2-methyl group, सेकेंड में 2-methyl है तो नियो वर्ड आएगा यहाँ पर, तो नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। और इसका अब आईपीसी नहीं हो जाएगा 1 2 3, हमने नंबरिंग कर दी इसकी, इसका नहीं हो जाएगा 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl propane, ठीक है। अभी ऐसे थोड़े नॉमिनेटिव प्रैक्टिस हम देखेंगे 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स में देखेंगे उसमें। चलिए अब देखते हैं इसमें ये हो गया, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, 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 CH3, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो नॉर्मल हेक्सेन, आईपीसी नेम ओनली हेक्सेन। इसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज नहीं करना वो जरा ध्यान रखिए, सेकेंडरी नहीं प्रीफिक्स यूज करेंगे,
और टर्शियरी नहीं करेंगे। इसमें नॉर्मल प्रीफिक्स जो यूज करेंगे वो रहेंगे तीन, नॉर्मल आइसो सॉरी नियो, ओनली थ्री प्रीफिक्सेस आर यूज। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, और टर्शरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, दो प्रीफिक्स हम यूज नहीं करेंगे, ओनली नॉर्मल आइसो नियो। तो अब इसमें वैसे रहेगा भी, अगर हम ब्रांच करते हैं इसको तो सी एच थ्री सेकेंड पोजिशन राइट और लेफ्ट कैसे हो, सेकेंड पे अगर सेकेंड पोजिशन मिथाइल ग्रुप है, या ओनली मिथाइल ना, इथाइल नहीं ओनली मिथाइल। तो अब देखो इसको हम लिखेंगे आइसो, सेकेंड नहीं लिख सकते, आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, और आईपीसी नेम 1 2 3 4 5, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा टू मिथाइल पेंटेन नाम हो जाएगा इसका आईपीसी नेम, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल, CH3 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 CH2 CH3। देखो सेकेंड कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच, तो आएगा यहाँ पे नियो हेक्सेन, आईपीसी नेम हो जाएगा इसका 1 2 3 4, तो 2.2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि इसका आईपीसी नेम देख लीजिए। अब ये जो प्रीफिक्स होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रीफिक्स आपका कार्बन यहाँ से स्टार्ट करना है, कार्बन फोर से स्टार्ट करना है, कार्बन फोर से आप कितने भाग यूज कर सकते हैं। आइसो प्रीफिक्स आपको कार्बन थ्री टू कार्बन सिक्स, ठीक है, उसके बाद फिर नियो प्रीफिक्स कार्बन फाइव एंड कार्बन सिक्स में यूज होगा। अब इसमें सेकेंडरी यूज नहीं करते हम लोग, और टर्शरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते, खत्म। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप 17, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको हम बोल सकते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड, ओके। तो अब देखो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज ओलिफिनिक बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे अल्कीन्स। अल्कीन्स ने तो फिर एक और नाम है इसका ओलिफिन्स भी बोल सकते हैं इसको, ओलिफिन्स मींस ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। चलिए अब ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, अब इसके नेमिंग की तरफ जाते हैं अभी। तो पहला हम डिस्कस करते हैं इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के लिए आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा अल्काइलीन, और आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हम याद रखेंगे यहाँ पर आईयूपीएसी नेम के लिए अल्कीन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऐसा बड़ी सुन अल्काइलीन कॉमन नेम के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, इन को रिप्लेस करके वाई एल ई एन ई यूज़ करना है, इन को अल्केन के सॉरी हम ऐसे बोल सकते हैं अल्केन का एन को रिप्लेस करके वाई एल ई एन ई, और आईपीसी में इन अल्कीन। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ओके। तो इसका कॉमन नेम देखो, दो कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए वाई एल ई एन ई इथाइलिन, और आईपीसी नेमिंग के लिए दो कार्बन एथ डबल बॉन्ड के लिए इन इथीन, कॉमन नेम इथाइलिन आईपीसी नेम इथीन। अब देखते हैं इसका सेकेंड एग्जांपल, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, थ्री कार्बन उसके लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए वाई एल ई एन ई प्रोपाइलिन, और आईपीसी नेम के लिए थ्री कार्बन उसके लिए प्रोप
डबल बॉन्ड के लिए इन प्रोपीन इजी। अब देखते हैं नेक्स्ट सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब इसमें नॉर्मल प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड में नॉर्मल प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा से करेंगे। अब पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन को अल्फा, सेकंड कार्बन को बीटा, थर्ड कार्बन को गामा। तो देखो अब इसका नाम हो जाएगा अल्फा, चार कार्बन है इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए वाई एल ई एन ई, अल्फा ब्यूटाइलीन। और इसका आई पी सी नेम हो जाएगा ब्यूट, और वन पोजिशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट वन इन। देख लीजिए ये याद रखना, इसमें नॉर्मल प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, उसके जगह पर हम अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स यूज़ करना है, मतलब वो अल्फा बीटा गामा डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताता है वो, ठीक है ना। तो और देखते हैं एग्जांपल, अब देखिए नेक्स्ट, अब सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू, स्टेट नहीं अभी ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग के लिए वही रूल है, अगर आप यहाँ से ऐसे हाथ रखेंगे दोनों साइड सी एच थ्री सी एच थ्री, देखो आइसो आइसो ब्यूटाइलिन आइसो ब्यूटाइलिन नाम आएगा इसका आइसो ब्यूटाइलिन। आई बी सी नेम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, टू पर ब्रांचिंग है तो टू मिथाइल प्रोप वन इन, ये हो गया इसका आई पी सी नेम, टू मिथाइल प्रोप, थ्री कार्बन ब्रांचिंग टू पर, टू मिथाइल टोटल कार्बन कितने हैं थ्री, प्रोप और वन पे डबल बॉन्ड, तो टू मिथाइल प्रोप वन इन। देखते हैं अभी नेक्स्ट, आप देखते हैं यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एक मिनट ऐसे लेते हैं इसको, ठीक है लास्ट एग्जाम्पल। तो देखो अभी इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसी होगी इसकी, ओके नंबरिंग हमने ऐसा कर दिया इसकी। तो अब देखो फर्स्ट कार्बन को अल्फा, सेकंड को बीटा, तो बीटा ब्यूटाइलिन करेक्ट है, बीटा ब्यूटाइलिन। अब आईपीसी नेम फोर कार्बन है ब्यूट, टू पर डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू इन, ऐसे आप इसके नॉमिक्लेचर करते जाइए। इसमें नॉर्मल प्रीफिक्स यूज नहीं होता, नॉर्मल जगह पर हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्फा बीटा गामा, फर्स्ट कार्बन को अल्फा, सेकंड कार्बन को बीटा, थर्ड कार्बन को गामा बोलते हैं, ठीक है। चलिए बनेगा ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं लास्ट फंक्शन ग्रुप 18 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको हम बोलते हैं एसिटिलिनिक बॉन्ड, एसिटिलिनिक बॉन्ड बोलेंगे इसको। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एसिटिलिनिक बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन्स, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ठीक है, ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। और इस कंपाउंड का नाम हो गया अल्काइन्स, कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे अल्काइन्स बोलेंगे, ओके। तो आप देखते हैं इसका कॉमन नेमिंग के लिए क्या करेंगे, अभी कॉमन नेमिंग लिए कौन सा वर्ड आता है इसमें, कॉमन नेम। तो अब ये एसिटिलिन के डेरिवेटिव होते हैं इसके हम यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एसिटिलिन डेरिवेटिव्स, एसिटिलिन डेरिवेटिव्स यूज करें हम लोग, एसिटिलिन के एच रिप्लेस होता है इसे। और आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, आईयूपीएसी नेम के लिए हम क्या करेंगे अल्काइन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो इसके क्या करते हैं ये एच रिप्लेस होते हैं, सेम ग्रुप से होते हैं या फिर डिफरेंट, सेम ग्रुप से होगा तो डाई अल्काइल लगाना पड़ेगा, डिफरेंट होगा तो अल्काइल अल्काइल एसिटिलिन, मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सेम ग्रुप होगा तो डाई अल्काइल एसिटिलिन वर्ड आएगा समझ लो, और डिफरेंट होगा तो अल्काइल अल्काइल एसिटिलिन, और अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अब देखते हैं पहला इसका नाम, कॉमन नेम है इसका एसिटिलिन,
और इसका आईयूपीएसी नेम आएगा इथाइन, दो कार्बन उसके एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा वाई एन ई इथाइन, बन जाएगा इजी है वो। अब हमको क्या करना है, एच ई तो रिप्लेस करना है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एच को रिप्लेस करता हूँ। देखो सी एच थ्री से रिप्लेस किया मैंने, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बराबर। तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल सी ट्रिपल बॉन्ड सी को एसेटिलीन लिखना पड़ेगा आपको, तो मिथाइल एसेटिलीन, मिथाइल एसेटिलीन। आईपीसी नेम थ्री कार्बन प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा वाई एन ए, तो प्रोपाइन, है ना। अभी तो एक ही रिप्लेस किया, अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री। अब देखो मैंने दोनों एच को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, सेम ग्रुप, तो अब हमको क्या करना है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन, सेम ग्रुप है इसलिए। और आईपीसी नेम के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा फोर कार्बन से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में फोर कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। देखो वन टू थ्री फोर, तीन कार्बन तक नहीं करते, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान रखिए। तो अब इसका नेम आएगा, देखो ब्यूट फोर कार्बन के लिए और टू पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट टू आयन। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी एच थ्री, डिफरेंट। अब देख इसके जो एच है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से मैंने रिप्लेस किए हुए, एक साइड मिथाइल है दूसरे साइड इथाइल, तो अब इन अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देख लीजिए, पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल फिर लिखेंगे मिथाइल और एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन नाम हो जाएगा इसका। और इसका आईपीसी नेम देखो, ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से नियरेस्ट, इसके नंबरिंग यहाँ से करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट टू आइन, आ जाएंगे। अब इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ईजी है, जो रूल्स बताए उसको फॉलो कर लीजिए, आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टर्म, ये लगते हैं उसके लिए मैंने इसको ऊपर कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 11th का पोर्शन, ठीक है। तो बच्चों इन तब तक इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे 11th का पोर्शन, ठीक है। चलो बच्चों, बाय।